ये देखो भाई नीचे टायर है, ई रिक्शा के ऊपर है, और हैंडल वगैरह कहाँ है इसका अंकल जी? 68 की एज में भी ना अंकल जी की जो स्पीड है, मैं बोलूँ अंकल 18 साल वालों के बराबर है। सारे ढाबे छोड़ के जो पटियाला वासी हैं, वो आपके शाही ढाबे को बहुत प्यार करते हैं। इतनी ज्यादा जो आपकी स्पीड है उसका राज क्या है? बड़े बड़े ढाबों पे बहुत सारा रश देखा होगा आपने यार, पर जिस जगह पे लेके आओ ना, छोटा सा ढाबा और अंकल जी को ऐसे घेर के रखते हैं, इतना रश रहता है कि रश कभी खत्म ही नहीं होता। जितने ढाबे हैं शहर के, किसी ढाबे पे इतना ज्यादा रश नहीं भाई जितना अंकल जी के पास है। ऐसा कमाल का खाना मिलता है, ऐसा कमाल का मिलता है कि लोग कहीं और जाते ही नहीं। इतनी ज्यादा स्पीड से अंकल जी खिलाते ना भाई, आज आंखें झपकोगे ना तो खाना मिस कर जाओगे। अंकल जी सत श्री अकाल जी सर, थैंक यू। सबसे पहले तो आपने अपना टाइम दिया जी, मैं देख रहा हूँ लंच आ रहा भी चल रहा है, पीछे लोग बैठे थे पूरा अपना लंच एंजॉय कर रहे हैं। और क्या क्या रहता है अंकल जी अपने पास? फादर, ग्रैंडफादर, ठीक है जी, अपने को राजमा जी, चावल, छोले भटूरे, वाह, लस्सी, रायता। जो पहली वाइब, जो पहली स्टार्ट में को देख के हाईलाइट लगी है इस कार्ट की, वो है कि बहुत ही साफ सुथरा काम है। ये सामने चने रखे हुए हैं जी, अंकल जी एक बार दिखाएंगे थोड़ा सब्जी क्या क्या रहती है? ये देखो भाई एकदम बढ़िया छोले हैं, और क्या खुशबू आ रही है, पित्तल की परात के अंदर लगाए हुए हैं छोले। फुलके बना के दे अभी ये देखिए, वाह एकदम गाढ़े राजमा अंकल जी ना, बहुत ही बेहतरीन यार। जो फूड की लुक है वो तो भाई बहुत ही ज्यादा टेम्पटिंग लग रही है। ये देखिए राजमा की पैकिंग करी जा रही है। 40 साल से अंकल आप लगातार चला रहे हैं इस कार्ट को, बहुत ही बढ़िया यार। प्रॉपर 360 वॉक टूर देता हूँ यहाँ का, ये पीछे कस्टमर्स बैठे हैं। इधर ये देखिए क्लोजअप से आपको दिखाता हूँ राजमा चावल की एकदम बढ़िया प्लेट। अंकल जी कितने के रहते हैं राजमा चावल? ये 50 रुपए की प्लेट है जी। 50 रुपए की प्लेट है जी, एकदम गाढ़े राजमा, साथ में रायता, चटनी, प्याज, एकदम बढ़िया। अंकल प्लेट आप काफी स्पीड से बनाते हैं, पर पूरा तसल्ली से खिलाते हैं ग्राहक को। और इस साइड लगाए जा रहे हैं जी छोले भटूरे, वाह यहाँ पर छोले भटूरे भी मिल जाएंगे आपको, एकदम बढ़िया यार। ये देखो बड़े साइज के एकदम फूले फूले भटूरे, वाह बहुत ही बढ़िया यार। तो ये देखो जी छोले भटूरे की प्लेट लगती जा रही है। अंकल जी आपने नाम नहीं बताया अपना। मेरा परमजीत सिंह है जी। तो परम अंकल पिछले 40 साल से आप यहाँ पे कार्ट संभाल रहे हैं अपनी, इतनी ज्यादा जो आपकी स्पीड है उसका राज क्या है? तो लोगों का प्यार है जी, बाकी ऊपर वाले की कृपा है। अरे वाह, लोगों का प्यार है, ऊपर वाले की कृपा है। अंकल जी मैं देख पा रहा हूँ एक टाइम पे 40 से 50 लोग आपको घेर के रखते हैं। हाँ जी हाँ। फिर भी आप अपनी पेशेंस लूज नहीं करते, एकदम स्माइल के साथ पूरी स्पीड में खिलाते हैं लोगों को। ये देखो यार छोले भटूरे की जो प्लेट्स है ना लगती ही जा रही है। प्यार ही लेके जाना, हुरकी लेके जाना। और आपकी एज कितनी होगी अंकल जी अगर आप माइंड ना करो बताने में? 68 की एज में भी ना अंकल जी की जो स्पीड है, मैं बोलूँ अंकल 18 साल वालों के बराबर है। एक मेरे लड़का है हमारे लुधियाना में 17 साल का, स्पीडी सिंह, और आप वो 68 के, दोनों की स्पीड अगर मैं बोलूँ ना अंकल सेम ही है। ये देखो यार अब थोड़ा पास से ना आपको प्लेट्स दिखाता हूँ। आपको यहाँ पर आके सिर्फ ऑर्डर करना है और अपनी जगह पे बैठ जाना आराम से, आपको बिठा के एकदम प्यार से खिलाया जाएगा यार, जैसे बड़े किसी रेस्टोरेंट में खिलाया जाता है। और ये क्या चीज अंकल जी? लस्सी, स्पेशल लस्सी है देखो। ये स्पेशल लस्सी है जी, ये देखो लिख के लगाया हुआ पंजाब की शान स्पेशल लस्सी, और 20 रुपए का गिलास अंकल, 20 रुपए के अंदर स्पेशल लस्सी भी मिल जाएगी। ये देखो भाई ये कार्ड के ऊपर ही डोलू लगाया हुआ है, एक तरह से इसके अंदर लस्सी बनाई जाती है, और ये ब्लेंडर लगा के वाह लाइव ब्लेंड, बहुत ही बढ़िया यार। अंकल मेरे को लोग बता रहे थे कि जो ढाबा अपना, इसको आप चला कर लेके आते हो, चला के कैसे लेके आते हो? ये बनाई हुई ई रिक्शा पे बना रखी है। ओके नीचे से देखो, ये देखो भाई नीचे टायर है, 14 साल होगी पहली सीखी है ई रिक्शा। अच्छा, ई रिक्शा के ऊपर है। हाँ जी हाँ। और हैंडल वगैरह कहाँ है इसका अंकल जी? हैंडल उतार देते हैं, स्टीयरिंग वगैरह हैंडल उतार देते हैं भाई। ये पूरा सेटअप जो है ना ई रिक्शा के ऊपर लगा हुआ है यार, कार्ट के साथ ही ना, बिल्कुल एक पाक है। वहाँ भी लोग बैठ के खाते हैं जब यहाँ पे सिटिंग फुल हो जाती है। अब ये क्या लगा रहे हैं अंकल जी आप? ये राजमा चावल, ये राजमा चावल की प्लेट लग रही है तो बढ़िया काड़े राजमा चावल के ऊपर, वाह यार। और आइटम दो ही होती है अपने पास, चने और राजमा अंकल जी ना? दो ही बनाते हैं। सब्जी वगैरह रखते हैं हम? पहले बनाते थे, बंद करते। अच्छा, अभी फिलहाल सब्जी नहीं है यहाँ पे, राजमा और छोले ही है, और इसी दो चीजों की भाई साहब दीवानगी है जो पूरी। तो ये देखो यार अपनी छोले कुलचे की प्लेट लगवाते हैं, काट के बिल्कुल बाहर अंकल जी ने तवा सेटअप करके रखा हुआ है। ये देखिए कुलचे आगे, और ये सिंगल ही देते हैं अंकल, ऐसे कटिंग नहीं होती इसकी? सिंगल भी दे देते हैं। अच्छा, ये देखो जी कटिंग करके प्रॉपर कुलचे आगे। तो ये देखिए यार ये कुलचे छोले की प्लेट लग रही है, और लगातार जो है ना कुलचे छोले जाती जा रहे हैं। अब ये सामने जो कुलचे पड़े बस यही लास्ट बचे थे यहाँ पर, ये देखिए गर्म होके आगे कुलचे, और ये प्रॉपर प्लेट लग के तैयार भाई। जो प्लेट्स ना लगातार जाती जा रही है अंकल जी, ऐसा करिए एक हमारी छोले भटूरे की प्लेट लगा दीजिए, एक राजमा चावल की, और साथ में रोटी। तो ये देखो जी फाइनली अपनी छोले भटूरे की प्लेट लगने जा रही है, छोले आ गए और पुराना जैसे स्टाइल है वही। अब ये देखिए राजमा चावल की प्लेट अपनी, ये राइस आ गए। जो सही छोले बनेंगे ना पित्तल की परात में ही बनेंगे, दूसरी में नहीं बनेंगे, उसका टेस्ट में फर्क होगा एकदम बढ़िया। राजमा चावल फड़ा यार,
ये राजमा चावल, ऊपर रायता और ये अपनी प्लेट लग के तैयार। अंकल जी एक बात बोलनी चाहूंगा मैं आपको, जितना रश आप मैनेज कर रहे हो ना और जिस इत्मीनान से और तसल्ली से आप खिला रहे हो, आपके लिए एक सल्यूट बनता है। सब थोड़ा प्यार है जी, ऊपर वाले की कृपा, थोड़ा प्यार है, करी जाने असि वो करवाई जाने। अभी वीडियो में आपको सुन नहीं रहा होगा पर मैं जब आया था ना भाई, यहाँ पे शब्द चलते और पूरा दिन चलते अंकल शब्द। हां यहां गुरबानी सारा दिन चलती, गुरबानी पूरा दिन चलती है और यही मेरे को लगता है अंकल स्पीड का राज है आपकी। तरह-तरह छोले की प्लेट लग के तैयार हो गई और अपने भटूरे रेडी करवाते हैं। ये देखो जी एकदम बढ़िया भटूरे और स्टफ भी क्या होता है सर इसमें? चार फुलके राजमा दे पैक करो, बढ़िया से फुला के भटूरा रेडी किया जाएगा। पैकिंग है? वाह यार कोई नहीं, चार फुलके वाला पैक हो गया। एक छोटी सी काट के ऊपर भाई इतने तरह के फ्लेवर्स, राइस भी है, भटूरे भी है, छोले कुलचे भी है और सारा कुछ एकदम बढ़िया लुक में। तो भाई टेबल अपना लग के तैयार है, स्पीडी अंकल जी ने क्या स्पीड के साथ प्लेट्स लगाई और जो रश भी है ना भाई वो भी बहुत ज़्यादा स्पीड से ही उमड़ के आ रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहले आपको दिखाता हूँ यहाँ के राजमा चावल, ये मेरे लिए राजमा चावल, इसकी बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम डिमांड है भाई। जब से मैं आया हूँ ना 2 से 3 बार रिफिल हो चुका है यहाँ पे। अब आम वीडियोस में क्या होता है, हम प्रॉपर बातचीत करते हैं अंकल जी से, पूछते हैं कि क्या सामान है कैसे है, पर यहाँ पे रश इतना है यार और अंकल जी अकेले हैं, पूरा मैनेज भी कर रहे हैं तो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं वो कर पाए। ऑफ द कैमरा मैंने काफ़ी कुछ पूछा वो मैं आपको शेयर करता हूँ। ये जी यहाँ के छोले अंकल जी ने बताया ना इसके अंदर प्याज है ना लहसुन है और ना ही एक बूंद भी तेल है, ऑयल फ्री छोले हैं बिना प्याज और लहसुन के। और ये नेक्स्ट आ गया जी एकदम ठंडा रायता यहाँ पर लाल मिर्च और नमक के साथ। राइट में मेरे तंदूर एरिया इस टाइम और लेफ्ट में मेरे जी छोले भटूरे, पीछे अंकल जी और सामने है खाना। फोन या स्क्रीन के उस साइड हो आप लोग। उससे मेरा क्या फायदा हुआ, मुझे क्या मिला? तो आओ फटाफट दिखाता हूँ ये यहाँ के भटूरे। सबसे पहला जो टेस्ट करेंगे ना वो करेंगे भटूरे और छोले का। ये जी यहाँ के भटूरे चने दोनों ही बहुत ही गर्मा गर्म है। ओ भाई क्या घुले हुए छोले हैं, भटूरे के साथ तो मजा ही आया है। अगर इसके साथ परौठी हो, इसके साथ रोटी और साथ में राइस, ये वैसे छोले हैं कि हर चीज के साथ ना बढ़िया लगेंगे। कमाल का स्वाद आप पता लग रहा है। पटियाला वाले जो मेरे भाई हैं वो सारे ढाबे छोड़ के यही पे दोपहर का लंच करते हैं क्योंकि छोले कमाल के हैं। ये रे यहाँ के राजमा चावल, एकदम गाढ़े राजमा और साथ में बढ़िया लंबे लंबे चावल। ओ भाई पंजाब में ना बहुत जगह राजमा चावल मिलते हैं ना, उसके अंदर लहसुन वगैरह का ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग फ्लेवर होता है। इसमें ऐसा नहीं है, एकदम बढ़िया स्मूथ और ब्लेंडेड ग्रेवी है या सॉफ्ट राजमा है। जम्मू वाले अगर राजमा आपको पसंद है ना तो भाई एक बार ये पंजाब के पटियाला वाले राजमा ज्ञानी जी के खा के देखो, फैन हो जाओगे आप। एकदम गाढ़ी ग्रेवी, बहुत ही स्मूथ राजमा, इसमें मसाले बिल्कुल ना मात्र हैं। जो बढ़िया किक आएगी ना आपको, वो एक जो सब्जी हम घर पे बनाते हैं ग्रेवी की, वो किक बढ़िया आएगी। तो स्पीडी अंकल जी आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना। भाई मेरे को तो बहुत ही मज़ा आया इनसे बात करके, इनको देख के कि इतनी एज के अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी। और लोकेशन की बात करूँ तो पटियाला में छोटी बारादरी के अंदर मालवा थिएटर के बिल्कुल पास आपको मिल जाएगा जी ज्ञानी जी का ढाबा। लंच में आओ और मौज मनाओ। साहब चंगा सी।